हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन एकाग्रता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो कहीं ना कहीं जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो उसमें हमने पढ़ा था, जो प्रोविजंस पढ़े थे, जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल बना था एक नया, इसके अंदर जो नया एक्ट आया वो आया 1784 में, जो कि हटाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि रिमूवल ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में था। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है मेन, इसको रिमूव करता है। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे इसके, ये देख लो। मैंने क्या बताया था रेगुलेटिंग एक्ट में, कि जो जो काउंसिल्स थे, काउंसिल यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थे, उसके अंदर जो वॉरेन हेस्टिंग काउंसिल और वॉरेन हेस्टिंग के बीच में कहीं ना कहीं टसल चलती रहती थी, कि जो कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि पुराने उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स थे और यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग अकेला था। अगर इसके 3 मेंबर जुड़ गए और ये इसका एक साथ इसके आ गया, तो ये 2 रह गए और ये एक बंदा, ये 3 हो गए, यानी कि 2 वोट इसके और 3 वोट इसके, यानी कि पास बाय लॉ ये हो जाएगा। यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं इसका, यानी कि जो मेजॉरिटी में डिफरेंस, एक तरह से कहीं ना कहीं जो वॉरेन हेस्टिंग की पावर है कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही थी। तो बीच में एक तरह से जो कम्युनिकेशन गैप था उसको हटाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लेके आया गया। अब जो मैं ये चीज बता रहा हूँ, ये चीज अच्छे से समझ में तब आएगी जब आप रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ोगे, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो रेगुलेटिंग एक्ट जरूर देख लेना। जैसे कि हमें पता था कि रेगुलेटिंग एक्ट में 4 काउंसिल मेंबर्स थे और 4, एक तरह से बोल सकते हैं हम, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स थे, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से आए थे। तो उसमें एक बंदे की वजह से कहीं ना कहीं वॉरेन हेस्टिंग और 3 4 काउंसिल मेंबर्स में दिक्कतें पैदा हो रही थी। वही उसको सॉल्व करने के लिए यहां पर क्या किया गया, एक काउंसिल मेंबर को हटा दिया गया और यहां पर 3 काउंसिल मेंबर लेके आ गए, जिसके 3 काउंसिल मेंबर यानी कि 3 वोट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 1 वोट, यानी कि इन तो दोनों के वोट मिला के टोटल कितने बैठ रहे हैं, 4 वोट, और यानी कि 2 और 2 का रेशियो, अगर इसके पास आ गया तो 2 हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे। मगर यहां पर क्या आ गया, एक तरह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो दे दी गई, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं थी। वो वीटो कौन सी थी, कास्टिंग वोट, एक एक्स्ट्रा वो, या जब इन्होंने वोट कर दिया, इन दोनों वोट कर दिया, फिर इसका एक बंदा इसकी तरफ को वोट आ गया, यहां पर अब 2-2 का रेशियो है, अब यहां पर क्या हो गया, एक तरह से टाई हो गया। तो यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक एक्स्ट्रा वोट दिया जाएगा, एक तरह से वीटो पावर बोलेंगे उसको, कि जो भी बिल पास करवाना चाहता है वो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी इंडिया के अंदर लेके आना चाहता है, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उससे वो लॉ बन जाएगा। आ जाते हैं सेकंड पे, जो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू रिकॉल, यानी कि हिंदी में लिखा हुआ मैंने, कभी भी वापस बुला सकती है, रीजन मतलब कभी भी वापस बुला सकती है। यहां पर जो अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है कहीं ना कहीं, जो कि उस वक्त ऐसा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी पावर बढ़ा रही थी। मैंने आपको बताया था जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट आएंगे, जितने भी एक्ट आएंगे रेगुलेटिंग नहीं, जितने भी एक्ट आएंगे, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, जितने भी चार्टर एक्ट आएंगे, वहां पर कोशिश की जाएगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर को कम की जाएगी और ब्रिटिश पार्लियामेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर को बढ़ाई दी जाएगी। और एट द एंड जितना भी, जो कि 1857 के रिवोल्ट के बाद सारा सारा पावर किसके हाथ में जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा। यहां पर क्या, पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट टू रिकॉल, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 3 काउंसिल्स को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इन 3 काउंसिल्स को कभी भी बुला सकती है। कहाँ, इंग्लैंड बुला सकती है, अभी ये कहाँ है, वर्क कर रहे हैं, अभी इंडिया में वर्क कर रहे हैं, और इनको कभी भी ये बुला सकती है। अगर ये अच्छा काम नहीं करते हैं तो इनको ये कभी भी बुला ले देगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे वॉरेन हेस्टिंग को बुला लिया था बहुत ज्यादा करप्शन होने की वजह से, तो कि उस करप्शन को कम करने की वजह से उनको हटा दिया गया और वापस बुला लिया गया और किसी फिर दूसरे को रखा। यहां पर जो कंपनी है वो एज ए सबॉर्डिनेट वर्क कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है, जो कंपनी है यानी कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट अब उसके ऊपर एज ए हेड बन के दिख रही है, और उसको सबॉर्डिनेट कौन है, हमारा कंपनी है। आ जाते हैं अब मेन जो पॉइंट है वो ये वाला है, इसको समझने के लिए थोड़ा अच्छे ध्यान से देखना। यहां पर क्या है कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ठीक है,
जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां इंडिया के अंदर चला रहे थे, ये इंडिया है ये इंग्लैंड, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जो कि इंग्लैंड के अंदर थे, जो गवर्न कर रहे थे किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास दो पावर थी, एक तो कमर्शियल अफेयर को हैंडल करता था वो, दूसरा पॉलिटिकल अफेयर्स को हैंडल करता था। यानी कि जब हम पिछले रेगुलेटिंग एक्ट में हमने दो चीज पढ़ी थी कि जो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किससे लेगा, डे टू डे इंफॉर्मेशन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेगा, और किसकी कौन कौन सी चीजें लेगा, एक कमर्शियल बेसिस पे, और पॉलिटिकल अफेयर जो होंगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेगा इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, डे टू डे। अब यहां पर क्या किया, एक नई चीज एडिशन करा दी गई। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि नई एडिशन चीज ऐड कर दी गई। यहां पर क्या हुआ, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल आ गया। डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया, जो कि कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये क्या है हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कौन है, शेयर होल्डर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कौन है, शेयर होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि सेम वही एग्जांपल मैं बता रहा हूं, रिलायंस है, रिलायंस अगर मैंने 30% ऑन कर लिया है वो मेरा क्या है, शेयर होल्डर आ गया, मैं एक तरह से उसका मालिकाना हक रखता हूं, वही चीज। और जो मेरे नीचे सबॉर्डिनेट है वो क्या, एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी कि रिलायंस के जितने भी लोग हैं जिनसे मैं काम करवा रहा हूं, वही चीज है। कि सबसे पहले क्या आ गया यहां पर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसके नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, और इसी ये कहां इंग्लैंड में बैठा हुआ है, ये क्या है, इससे काम करवा रहा है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन और कमर्शियल पॉलिटिकल वर्क करवा रहा है, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो कि कहां है, इंडिया के अंदर है। अब बात आ जाती है यहां पर चेंज क्या हुआ, ये तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट में ही पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी है, मगर यहां पर एक टर्म नहीं आया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कहां पर, रेगुलेटिंग एक्ट में। यही चीज इसके अंदर पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर एड कर दी गई थी, जो क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में क्या आता है कि पहले क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के दो आते थे, कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स आते थे, मगर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि पॉलिटिकल अफेयर्स, यानी कि जो कि मिलिट्री और सिविल चीजें जो भी हो रही थी वो सारा किसका डायरेक्ट अपनी तरफ को कंट्रोल ले लिया, और यहां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अपना कंट्रोल इसका हट गया। दोबारा बता देता हूं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने पॉलिटिकल अफेयर्स को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में कर लिया, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक तरह से जो शेयर होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके कंट्रोल के अंदर सिर्फ क्या रह गया, कमर्शियली चीजें रह गई। बाकी आगे चल के कमर्शियल चीजें बहुत ज्यादा मिनिमाइज कर दी जाएंगी और एक तरह से एंड में खत्म ही कर दी जाएंगी, मोनोपोली हटी ही जाएगी। अब यहां पर क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली अभी भी है सिर्फ किस पे चीज पे, कमर्शियल चीजों पे है। अब मिलिट्री उनके हाथों में नहीं है, वो मिलिट्री किसके हाथों में, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में। तो यहां पर क्या है, एक ये वाला पार्ट क्या हो किया, एक्स्ट्रा एडिशन हुआ, बाकी सिमिलर रेगुलेटिंग एक्ट है। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि क्या चेंज हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट में। आ जाओ नीचे आ जाओ, कंपनी की जो टेरिटरी थी उसको, जैसे जो भी हमारे इंडिया के अंदर जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भी टेरिटरी उसने अपनी कब्जा रखी थी उसको उस वक्त क्या नाम दे दिया गया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, पहली बार ब्रिटिश ने यह दिखाया कि ये जो जितनी भी टेरिटरी है वो किसकी है, एक तरह से ब्रिटिश अथॉरिटी है, ब्रिटिश के अंडर आती है, ब्रिटिश का आधिपत्य किस पे, जितने भी जमीनें हैं, जितने भी जो भी कंट्रोल कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के ऊपर, उसके ऊपर सारा किसका है, ब्रिटिश पोजेशन है, ब्रिटिश अधिपत्य है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का है। तो यहां पर जो ईस्ट इंडिया एक्ट में ये क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई कि यहां पर एक वर्ड दिया गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, जो कि जिसकी ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया की जो मेन कैपिटल क्या बताई जाती है वो क्या है, हमारी कैलकटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह आपको मिलेगा नहीं, नॉट इवन स्पेक्ट्रम। अब जाते हैं, जब हम ब्रिटिश पिट्स इंडिया एक्ट की बात जो हमने कर ली है उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ठीक है। ड्रॉबैक्स यही चीज, देखो ड्रॉबैक्स क्या है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं, इनकी जो एक तरह से जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्री यानी कि एक तरह से एक कमर्शियल देखेगा, एक पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा, तो पॉलिटिकल अफेयर्स में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, कमर्शियल अफेयर में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, तो इनकी कट टू कट क्लियर नहीं था कुछ भी चीज कि कौन सी किस में आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या है, यहां पर भी लैक कर रही है,
ठीक है, ये क्लियर बाउंड्री नहीं शो करता बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बीच में, जो कि एक तरह से जो डिवीजन हुआ है उसका। दूसरा, इस पूरे एक्ट की जो मेन इंपॉर्टेंस है, इस पूरे एक्ट की जो मेन इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं क्या है कि जो कंपनी अफेयर्स है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो ये ब्रिटिश है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे कंपनी अफेयर्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया को अब क्या कर रहा है, अपने कंट्रोल में ला रहा है। और क्या एक तरह से क्या बन चुका है, हेड ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का हेड बन गया। इसका मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड बन गया। तो यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज समझ में आती है हमें वो क्या है, एक तरह से बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एक तरह से ओवरकम कर चुका है, हेड बन चुका है किसका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, एंड इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि कहां पर हमारे इंडिया के अंदर अभी मौजूद है। अब जो पिट्स इंडिया एक्ट है, आशा करता हूं आप चीज को समझ में आया होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, पिट्स एक्ट के अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या ड्रॉबैक्स थे, जो कि हमने यहां पर आगे आके सॉल्व करे। बाकी नेक्स्ट आगे जितने भी आएंगे वो सारे के चार्टर एक्ट्स आएंगे जो कि 20 ईयर्स बाद आए थे। सीरीज ऐसी चलती रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।